जितनी बड़ी पहचान, जितनी बड़ी पहचान उतने ज्यादा विवाद। कुछ ऐसा ही रहा है बच्चन परिवार को लेकर सोशल मीडिया का मिजाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपसे बच्चन परिवार पर, इस परिवार पर उठने वाले सवालों पर बात करने वाले हैं। बच्चन फैमिली आज की तारीख में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अमिताभ बच्चन के संस्कारों की सारी दुनिया मिसाल देती है। बिग बी के परिवार की एकता इनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब इस परिवार पर सवाल उठते हैं तो हर कोई हैरान हो जाता है। अमिताभ बच्चन जो कहते हैं बेटा बेटी एक समान, जब ये इल्जाम इस परिवार पर लगता है कि इस फैमिली में बहू और बेटी में फर्क किया जाता है, तो देश की जनता हैरान हो जाती है। हम यहां पर आपसे बात कर रहे हैं बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ कैसा है बच्चन का व्यवहार इस मुद्दे पर। बता दे आपको, ये एक टॉपिक हमेशा चर्चा में आ जाता है। कई मौकों पर ऐश्वर्या और सास जया के बीच नोकझोंक नजर आती है। हम यहां सवाल ये उठाना चाहेंगे, सास और बहू की नोकझोंक किस परिवार में नहीं होती? हस्बैंड और वाइफ के बीच किस घर में परेशानियां नहीं आती? आम बात है, ये हमारे और आपके घर में भी होती होगी, लेकिन जब ये सब कुछ बच्चन परिवार में हो तो बन जाती है ब्रेकिंग न्यूज। और जब ये खबर ब्रेकिंग न्यूज बनती है तो इसे लेकर तमाम तरह के खुलासे होते हैं। खुलासों पर जनता गौर करना चाहे या ना करना चाहे, लेकिन जब ये खुलासे अमर सिंह जैसे बड़े नेता की जुबा से होते हैं तो सुनने वालों को हैरानी होती है। बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ सास जया का रिश्ता, ससुर अमिताभ बच्चन का रिश्ता, ननद श्वेता बच्चन नंदा का रिश्ता, इन तमाम मुद्दों पर हम इस खास रिपोर्ट में आपसे बात करेंगे। एक रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करेंगे जिसमें आपको एक एक करके बताएंगे ऐश्वर्या के साथ उनके ससुराल में आखिर ऐसा होता क्या है जो खबरों का विषय बन जाता है। अमर सिंह ने जब इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बच्चन परिवार पर कई तरह के सवाल उठाए थे। उन्होंने ये तक कहा था कि ऐश्वर्या राय बच्चन जो है अपने ससुराल में घुट घुट कर जी रही हैं, घुट घुट कर रह रही हैं। ऐश्वर्या को कई तरह की परेशानियां अपने ससुराल में झेलनी पड़ रही हैं। वो परेशानियां क्या रही हैं? ऐश्वर्या जो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है, मॉडल रह चुकी हैं, अपने नाम ना जाने कितने ही अवार्ड्स कर चुकी हैं, सुपर मॉम है, बीवी नंबर वन है, भाभी नंबर वन है, बहू नंबर वन है, बेटी नंबर वन है, आखिर ऐश्वर्या से क्या चूक हो गई जो उनके ससुराल में उन्हें लेकर कॉन्ट्रोवर्सीज होनी शुरू हो गई? ये तमाम जानकारियां हम आपको देंगे अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा, बच्चन परिवार जितना बड़ा नाम उतने ही ज्यादा चर्चे। बच्चन फैमिली को लेकर हमेशा खबरों का बाजार गर्म रहता है। इस परिवार को लेकर, परिवार में रिश्तों की इक्वेशन को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हुए हमेशा से देखे गए हैं। बता दे आपको, बच्चन परिवार की एक कंट्रोवर्सी जो हमेशा खबरों का बाजार गर्म करती है, वो इस परिवार में बहू ऐश्वर्या के साथ बर्ताव है। हर कोई जानना चाहता है कि महानायक अमिताभ बच्चन जितना ज्यादा लाड, जितना ज्यादा प्यार अपनी बेटी श्वेता बच्चन को करते हैं, क्या उतना ही ऐश्वर्या राय बच्चन को किया जाता है? क्या श्वेता बच्चन नंदा की तरह ऐश्वर्या राय बच्चन भी परिवार में सबकी लाडली बनकर रह पाती हैं? बता दे आपको, ये सवाल और भी ज्यादा जोर उस वक्त पकड़ता है जब नेता अमर सिंह बच्चन परिवार को लेकर कई बड़े खुलासे कर देते हैं। अमर सिंह ने एक वक्त पर बच्चन परिवार के रिश्तों की पोल पट्टी खोली और ऐश्वर्या राय बच्चन से जुड़ी कई ऐसी बातें कहीं जिसने बच्चन फैमिली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। बता दें आपको, बच्चन परिवार को लेकर अमर सिंह ने दावा किया कि इस परिवार में ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ खराब व्यवहार किया जाता है, क्योंकि बच्चन बहू और जया बच्चन इनके बीच अच्छे संबंध नहीं है। अमर सिंह ने एक इंटरव्यू में जया बच्चन पर यह इल्जाम लगाया कि वो अपनी बहू के साथ ठीक तरह का व्यवहार नहीं करती।
बता दें आपको, ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर फिल्म ए दिल है मुश्किल जब रिलीज नहीं हुई थी, जब इस फिल्म का ट्रेलर मात्र सामने आया था, तब ऐश्वर्या राय बच्चन के बोल्ड सीन्स को लेकर तमाम तरह के दावे किए गए। ये दावा किया गया कि बच्चन बहू की बोल्डनेस सास को रास नहीं आ रही। अब एक एक करके आपसे परिवार के सदस्यों के साथ ऐश्वर्या के रिश्तों पर चर्चा करेंगे, जिसकी शुरुआत करेंगे महानायक अमिताभ बच्चन के साथ। महानायक अमिताभ बच्चन जब ऐश्वर्या को अवार्ड देने के लिए बुलाते हैं, ये वही ऐश्वर्या हैं जो स्टेज पर आकर अपने ससुर के पांव छूती हैं। ये वही ऐश्वर्या हैं जो सबसे पहले अपने ससुर जी की तारीफ करती हैं। ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन, इनके बीच का रिश्ता काफी ज्यादा प्यारा है, इनके बीच की बॉन्डिंग काफी ज्यादा प्यारी है। ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन से हटकर ऐश्वर्या और बिग बी का ये प्यारा सा रिश्ता हमेशा हर किसी को भाता है। अब आते हैं सास जया पर। जया बच्चन के साथ ऐश्वर्या की नोक झोंक हमेशा सुनने में आई है। जया के साथ ऐश्वर्या की खराब बॉन्डिंग हमेशा खबरों का कारण बनी है। जया बच्चन के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन के रिश्ते जरा भी सामान्य नहीं है, क्योंकि नॉर्मल परिवार की तरह यहाँ भी सास और बहू आपस में नोकझोंक करते हैं। यहाँ भी सास और बहू आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। बता दे आपको, ऐश्वर्या की फिल्म ए दिल है मुश्किल पर कई तरह के सवाल सास जया बच्चन उठा चुकी हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म ए दिल है मुश्किल को कई बार क्रिटिसाइज जया बच्चन कर चुकी हैं। ए दिल है मुश्किल को लेकर जया बच्चन ने ये भी कहा था कि अब तो फिल्म में सिर्फ और सिर्फ बोल्डनेस और बेशर्मी पर ही बनती हैं। अगर बात करें ननद श्वेता बच्चन नंदा की, तो आपको बता दें श्वेता बच्चन नंदा की बेटी नव्या नवेली नंदा, जो काफी ज्यादा बोल्ड है, जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है, ऐश्वर्या हमेशा नव्या को सपोर्ट करती हैं। ऐश्वर्या हमेशा नव्या का साथ देती हैं। ऐश्वर्या घर में सबसे कहती हैं कि नव्या पर बच्चन का बोझ ना दिया जाए, नव्या को जैसे अपनी जिंदगी जीनी है उसे जीने दिया जाए। जब ऐसी सोच बच्चन बहू की निकल कर सामने आती है, तो ननद श्वेता और सास जया दोनों को आपत्ति होती है। इन दोनों को ही ऐश्वर्या के नव्या को सपोर्ट करने से दिक्कत देखी गई है। जया बच्चन हमेशा ऐश्वर्या राय बच्चन को कहती हैं कि नव्या को इस तरह खराब चीजें सिखाने की जरूरत नहीं है। कई तरह के दावे किए गए, कई तरह की बातें कही गई, लेकिन बच्चन परिवार का ही एक सच हम भी आपको बता दें, सास जया से लेकर पति अभिषेक बच्चन तक, पति अभिषेक से लेकर ससुर अमिताभ बच्चन तक, हर कोई ऐश्वर्या राय बच्चन की तारीफ करता है। एक अभिनेत्री के तौर पर, एक बहू के तौर पर, हर कोई हमेशा ऐश्वर्या को सराहता हुआ देखा गया है। हर किसी ने ऐश्वर्या की तारीफ की है, हर किसी ने ऐश्वर्या के जज्बे को सलाम किया है। कहने वाले लोग बहुत तरह की बातें कहेंगे, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ अगर ससुराल वालों की नोकझोंक होती है, तो यही ससुराल वाले ऐश्वर्या राय बच्चन की तारीफ करते हुए, ऐश्वर्या राय बच्चन का साथ देते हुए हमेशा देखे जाते हैं, जो अपने आप में इस परिवार के लिए एक बड़ी बात है और हर किसी के लिए एक मिसाल है। ये तमाम बातें आपको बताने के बाद भी अंत में हम यही कहेंगे, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, दावा करने वाले लोग बहुत कुछ कहते हैं। कई मौकों पर अगर परिवार की ऐश्वर्या के प्रति नाराजगी देखी गई है, तो कई मौकों पर इस परिवार ने ऐश्वर्या पर जमकर प्यार लुटाया है। बहू ऐश्वर्या के साथ हंसती हुई, खिलखिलाती हुई जया बच्चन की ना जाने कितनी ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद है। भाभी ऐश्वर्या के साथ दोस्ती जैसा रिश्ता रखने वाली ननद श्वेता से जुड़े कई किस्से सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। और अमिताभ बच्चन, वो तो बहू के साथ कितना प्यारा बॉन्ड शेयर करते हैं, ये बताने की जरूरत शायद ही पड़े। कुल मिलाकर कहा जाए, कॉन्ट्रोवर्सीज तो हैं, और कॉन्ट्रोवर्सीज आम बात है, घर घर की कहानी है। किसी ने सही कहा है, जहां चार बर्तन एक साथ रखे हों, वहां थोड़ी खटपट तो होगी ही।
ऐसी खटपट बच्चन फैमिली में हुई, लेकिन इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पेश करना कतई सही नहीं है। हमारे आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।